गुड आफ्टरनून। आज हम आपको साइकोलॉजी का ही बताने लगे हैं, और आज जब हम बात करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ऐसे समझिए कि सबसे इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, इसको कहा जा सकता है। उसका नाम है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का मतलब क्या है कि आप चाहते क्या हैं, आपकी इच्छा क्या है, आपकी ख्वाहिश क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, व्हाट इज़ योर मोटिव। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। और मैं ये भी बता दूँ शुरू में ही, ज़रूरी नहीं कि इंसान को पता हो कि उसका मोटिव क्या है, वो क्या चाहता है। उसको गलत फहमी भी हो सकती है, यानी वो समझता कुछ है लेकिन उसका असल मोटिव कुछ और है। और जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, एक औरत है तो वो रोज़ गुरुद्वारे जाती है, और वो कहती क्या है कि मेरा गुरबाणी में बड़ा शौक है, मैं घर भी पाठ कर लेती हूँ, लेकिन वहाँ मैं मत्था जरूर टेकती हूँ, वहाँ भी बैठ के मैं पाठ करती हूँ। अब ये उसका ख्याल है कि वो रिलीजियस भावना से जाती है, लेकिन हो सकता है उसका ये फॉल्ट मोटिव हो गए, और उसका एक मोटिव और भी है कि वहाँ जाती है तो वो अपने जो लिबास है उसकी प्रदर्शनी कर सकती है। इट्स वेरी लाइकली कि उसको ड्रेसेस का शौक है, और वो ड्रेसेस, ये भी हो सकता है कि उसको कुछ इलम भी है, कुछ कुछ पता है कि मैं जाती हूँ तो लोग सराहना करते हैं कि ये कहाँ से लिया सूट, ये कहाँ से बनवाया, तो ये भी हो सकता है। एक मोटिव उसका और ये हो सकता है कि जाके लोगों से मुलाकात हो जाती है, कोई ना कोई मिल जाता है और उसको वो अच्छा लगता है कि चलिए इस बहाने मेल मुलाकात हो जाती है। और ये भी हो सकता है कि वो ये सोचे कि नहीं, मेरी कोई और इच्छा नहीं है, ऐसे ही ना अब बातें करें, मेरी रिलीजियस भावना। एक शब्द है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में क्या है, सब कॉन्शियस में क्या है, अनकॉन्शियस में क्या है, और इट इज एंटायरली पॉसिबल कि जो उसका असल मोटिव है वो पता ही ना हो उसे, उसको जिसे कहते हैं गलत फहमी ही है। इसी तरीके से अभी आज की बात है, सुबह हमें एक औरत मिलने आई, पता तो है उसका हमें, वो कुछ बच्चों को पढ़ाती है और कुछ मदद भी करती है, और कुछ किताबों से, कुछ खाने से। तो उसने अपना कुछ रखा हुआ छोटा सा करती है, लेकिन उसकी अगर आप टोटल पर्सनैलिटी को देखें तो वो ये लगता है कि वो बेवा है, और उस बेवा को कुछ चाहिए कि मैं भी कुछ हूँ, कि मेरी भी कुछ पर्सनैलिटी है, मैं भी कुछ कर रही हूँ, लोग मेरी शलाघा करें, तो थोड़ा सा पैसा भी खर्च हो जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी वक्त भी लग जाए तो कोई बात नहीं है। चलिए ये, क्योंकि उसका जब हम दूसरा, क्योंकि मैं जानता हूँ उसको अच्छी तरह, दूसरे लोग भी जानते हैं, और वो बेवा है लेकिन रख रखाव अच्छा रखती है, पैसे हैं उसके पास कुछ है। तो उसका जो असली मोटिव है वो उसकी ईगो है, जो वो सेटिस्फाई करती है उससे, उसका
और जब सुबह भी आएगी तो उसका तमाम बातचीत इस बात पे मरकूज थी कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं वो करती हूँ, ये करती हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, उसकी एक छोटी बहन है, वो भी बेवा है, ये दोनों इकट्ठी रहती थी, लेकिन वो उठ के अपने ससुराल तो नहीं कहती, अपनी बेटी के घर चली गई, क्योंकि वहाँ मकान बड़ा शानदार है, टोटली एयर कंडीशनड है, तो वहाँ चली गई और अपनी बहन को अकेला छोड़ गई। हालांकि वो दोनों इकट्ठी रहती थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब उसकी बहन बहुत बीमार हुई तो भी उसके पास वो नहीं गई, तो भी ना उसके पास रही है, ना उसकी ज़्यादा मदद की है। तो और वो उसकी जो छोटी बहन है उसका हमें पता है, अच्छी तरह जानते हैं। तो उसकी अब मैं ये कहता हूँ और ये सोचता हूँ, अगर आप भी शायद आप इससे इत्तेफाक करें, कि अगर कोई औरत इतनी अच्छी है कि वो बच्चों का ख्याल रखती है, बच्चों को पढ़ाती है, और उसके दिमाग में भी यही है कि मैं बड़ी अच्छी खातून हूँ, मैं ये किया है, मैंने वो किया, मैंने ये करता है, तो अगर मोटिव उसका मदद ही करना है तो भाई पहले बहन की करोगे? तुम बहन को तो तड़पते छोड़ दिया और बच्चों को पढ़ाने चली गई हो, मैं बच्चों का ये करती हूँ। वो रातों को भी उसकी छोटी बहन परेशान रही है, लेकिन उसको क्या है, उसका जो मोटिव है वो अपनी प्रशंसा लेनी है, अपनी शोभा करवानी है। चलिए, तो इस तरीके से उसको नहीं पता, अगर पता है भी है तो वो कहती है कि वो कर लेगी, हो जाता है, क्या करें, मुझे अपना काम तो करना है। तो लुबिलुबाव क्या है, जब भी कोई आदमी आपको मिले, सबसे पहले आप ये सोचिए, अगर वो आपको मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, वो चाहता क्या है, वो आपसे दोस्ती बढ़ा रहा है तो क्यों बढ़ा रहा है। तो बड़ी दफ़ा ये बात सामने आएगी कि उसको कोई काम है, वो कुछ चाहता है आपसे, वो धीरे धीरे प्रकट हो जाता है कि असल में क्या था। हो सकता है उसको आपके पैसे की ज़रूरत हो सकता है वो आपसे कुछ सिफारिश कराना चाहता हो, या कुछ भी हो। तो आप ये ध्यान दीजिए कि उसका मोटिव क्या है, और ये समझिए कि बड़ी दफ़ा जब गरज पूरी हो जाती है तो लोग दोस्ती छोड़ देते हैं, ये देखने में आया, अगर गलत गई तो दोस्ती गई। कई दफ़ा तो यूँ होता है कि गलत फहमी में दोस्ती शुरू हुई कि इसका ये है, जिसका वो है, बड़ा इसका दबदबा है, रोब है, अगर पता लगेगा कि इसका तो कुछ भी नहीं है तो वो छोड़ देते हैं, फिर बहाने बनने शुरू हो जाते हैं, हम आ नहीं सके, वक्त नहीं मिलता वगैरह। ये याद रखें, जब किसी ने कुछ करना हो तो वो वक्त भी निकाल लेगा, नहीं करना हो तो नहीं वक्त निकालेगा। तो आप हमेशा ये सोचिए कि ये बंदा चाहता क्या है। और ये भी सही बात है, कई दफ़ा सचमुच आदमी को गलतफहमी रहती है कि मेरा मोटिव ये है और ये नहीं है, यानी कि मोटिव जो है वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है और मोटिव कॉन्शियस भी हो सकता है, सब कॉन्शियस भी हो सकता है। और बड़ी दफ़ा एक काम के पीछे एक से ज़्यादा मोटिव होते हैं, यानी बंदा सचमुच मदद भी करना चाहता है, अपनी प्रशंसा भी चाहता है और कुछ और भी चाहता है। कि तो जो मतलब है, कहने का भाव ये है कि उसको खुद भी नहीं पता होता, लेकिन एक से ज़्यादा, लेकिन ये पक्की बात है कि ज़्यादातर लोग मतलब से बात करते हैं, मतलब निकल गया तो गया, और कोई जो जेन्युइन दोस्ती होती है वो कि सचमुच एक दूसरे का करते हैं वो भी हो सकता है। तो बस आप जब भी, अच्छा एक लॉ में देखिए क्या है,
अगर ला में साबित ना हो मोटिव तो वो बंदा बच जाता है। देखिए अगर कोई मुकदमा चला हुआ है, कोई बंदे को अगर तो रंगे हाथ पकड़ा गया फिर तो कोई बचत नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ शक शुबात का मामला है, दलीलों की बात है कि उसको पकड़ा गया है लेकिन सबूत कोई हाथ में नहीं आ रहा, और उस वक्त कोई अगर गवाही दे भी दे कि ये ऐसा बंदा है, ये ऐसा बंदा है, ये इसके इसने किया होगा, इस पर अंदेश कर सकता है, अगर मोटिव साबित नहीं होता तो वो बंदा बच जाता है। बड़ी दफ़ा ये होता है कि मोटिव बड़ा ज़रूरी है कि ये क्या चाहता था, इसको अगर इस कत्ल में या इस गबन में इसको फ़ायदा कितना होता है, अगर उसको कोई फ़ायदा नहीं होता तो उसको और सबूत कोई नहीं है ख़ास तो उसको छोड़ दिया जाता है कि मोटिव कोई प्रूव नहीं हुआ। तो आज मैं समझता हूँ कि इतना काफ़ी है। आप मोहतात रहें, लोगों से जब मिलें कि भाई ये चाहता क्या है असल में, और ये नहीं मैं कहता कि लोग बीच में अच्छे नहीं होते, होते हैं, असली भी दोस्ती होती है, यारी दोस्ती भी होती है, सिंसेरिटी भी होती है। तो बस एक मैं फिर सुनाऊँगा आपको, फिर तो मैं सुनाता ही रहता हूँ कि वो ये है कि एक इसको इस दुनिया में यार थोड़े हैं और दोस्त बहुत। उसका पहला मिसरा क्या है, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। यानी जो कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा भाई जैसा हूँ, वो भी बच के रहिए, तो दोस्त यहाँ थोड़े और भाई, क्योंकि उसको मार के तो कुएं में डाल गए थे उसके भाई सके भाई। तो उम्मीद है पसंद आया होगा, तो थोड़ा सा संगीत भी आपको सुना दिया है, तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। फिर मिलेंगे, बाय।